दीपक परिहार, ये यहाँ के स्टोर इंचार्ज है। वेरी गुड इवनिंग। सो आज हम जो मिले हैं, आई थिंक आपको आइडिया होगा, न्यू क्लासिक 350 रीबॉर्न जो नया क्लासिक लॉन्च हो रहा है उसके एक मॉडल के लॉन्चिंग के रिगार्डिंग हम लोग मिले हैं। सो सर, आपको आई थिंक आइडिया होगा अपना क्लासिक 350 कब लॉन्च हुआ था? आई थिंक आई गेस 2009। या 350 से? बिल्कुल, यस। सो सर, उस टाइम की क्लासिक में आपको क्या ज़्यादा अच्छा लग रहा था? आई थिंक मुझे उसके अंदर जो टिपिकल जो बुलेट वाले जो स्ट्रोक है, वो साउंड है, वो बड़ा प्यार लगता है। और क्या अच्छा लगा उसे? उसका एस्थेटिक, उसका जो स्टांस है क्लासिक वाला, वो पहले वाला जो मुझे अच्छा लगता था। बट ये इसी इसमें भी मिलेगा क्या? बिल्कुल सर, इसमें भी वही टिपिकल साउंड मिलेगा जो आप जो थंप साउंड बोले, जो स्ट्रोक बोलो, प्रॉपर साउंड आपको जो पहले बुरा थे बुलेट में आता था, वही साउंड अभी के क्लासिक में भी आपको मिलेगा। प्लस उसमें ज़्यादा बहुत फीचर भी कुछ है जो मैं अभी आपको बताऊँगा, अनवीलिंग होगा तो मैं आपको बता दूंगा। Ready? So, shall we started? Yes! So, can we start the countdown? Yes! It's 3, 2, 1! Yay! हे गाइस, समझते हैं कि हम जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी व्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड के नए क्लासिक 350 मॉडल के बारे में। तो आज के वीडियो में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं बाइक में, क्या इंजन में चेंजेस हुए, क्या कॉस्मेटिक चेंज हुआ है, क्या प्राइसिंग है, क्या फीचर्स नए एडन हुए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा दोस्तों। आपको ए टू जेड सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा, कौन से नए कलर कंपनी ने लॉन्च किए वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने है क्लासिक 350 न्यू मॉडल, आप यहाँ पे देख सक, ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है और ये हमारा पूरा मॉडिफाई किया हुआ मॉडल है। तो आप मॉडिफिकेशन वगैरह भी यहाँ से करवा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेंटर में आपको आरी का लोगो देखने को मिलेगा और जो ये ग्लास है वो थोड़ा फ्लैट कर दिया है, पहले थोड़ा राउंड शेप में आता था, तो उस तरह का यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। हेडलैम्प साइड इंडिकेशन एज इट इज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे चलते हुए तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन में आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिस्क है उसका डायामीटर थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर दिया है, तो आपको ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो ये बाइक आपको दो मॉडल में अवेलेबल, एक सिंगल चैनल ABS, एक ड्यूल चैनल ABS, तो आप जो चाहे वो ले सकते हो। फ्रंट व्हील एज इट इज़ है 19 इंच का आपको इसमें फ्रंट व्हील देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें ट्यूबलेस टायर भी कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि एलॉय व्हील्स के साथ में आपको ट्यूबलेस टायर आएगा। और यहाँ पे जो स्पोक व्हील है उसमें आपको ट्यूब टायर देखने को मिलेगा। तो यहाँ ऊपर चलते हुए तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसका स्पीडोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनालॉग और डिजिटली दोनों मिक्स करके पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर काफ़ी अच्छा यहाँ पे खूबसूरत सा बनाया। इसको यहाँ से चालू करते हुए तो आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, लो फ्यूल इंडिकेशन, ABS का बैटरी नोटिफिकेशन, और यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ पे आपको डिजिटली आपको फ्यूल इंडिकेशन देखने को मिलेगा। क्लासिक 350 और क्लासिक बाइक में रॉयल एनफील्ड ने पहली बार फ्यूल गेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहीं से आप ट्रिप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर जो ये स्विच है उससे, तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, टोटल किलोमीटर, ये ट्रिप वन, ट्रिप टू, और लो फ्यूल मतलब कि 3.5 लीटर से कम आपका फ्यूल होगा तो यहाँ पे फ्यूल ऐप में आपको दिखाएगा, तो काफ़ी अच्छा है, टाइम वगैरह भी दिखाता है। और यहाँ पे आप ट्रिपल नेविगेशन भी आफ्टर मार्केट से लगवा सकते हो, यहाँ पे कंपनी फिटेड नहीं मिलेगा लेकिन आप यहीं से लगवा सकते हो, 5-5.5 हज़ार का उसका कॉस्ट रहेगा, तो काफ़ी अच्छा है। हैंडल बार एज इट इज़ काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से शुरुआत करते हुए तो जैसा मीटियोर में देखने को मिल रहा था उसी तरह का आपको इसमें हैंडल बार देखने को मिलेगा, स्विचेस उसी तरह का देखने को मिलेगी। यहाँ पे मेन हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के मेन हेडलैम्प तो इसमें ऑन ही रहेगा आपका, ये हैजार्ड लैम्प का है जिससे आपका दोनों लाइट्स ऐसे ऑन ऑफ होती रहेगी, तो ये काफ़ी अच्छी फैसिलिटी कंपनी ने दे रखी है यहाँ पे।
और यहाँ पे एंजल किल स्विच, और इस तरफ आते हुए तो आपको टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाई बीम लो बीम करने के लिए देखने को मिलेगा, एक हॉर्न का स्विच भी देखने को मिलेगा। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्मूथनेस हो गया है सब कुछ यहाँ पे। तो ये हमारा क्रोम कलर है, रेड क्रोम कलर है, तो इसमें आपको ग्लास वगैरह क्रोम के देखने को मिलेंगे। तो क्लच वगैरह काफ़ी इजी हो गया है, वो अभी जब ट्रिस्टाइड लेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक और फीचर्स एड ऑन कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे कंपनी फिटेड आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपना मोबाइल वगैरह बड़ी इजीली चार्ज कर सकते हो। एक जो और बड़ी चीज़ मुझे बतानी रह गई थी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हैंडल लॉक है वो अभी यहीं से ही हो जाएगा सिंपल, तो यहीं झुक झुक के आपको जो करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ेगा, यहीं से आप स्टीयरिंग लॉक ओपन कर सकते हो, बाद में ऑफ, बाद में ये ऑन हो जाएगा। तो यह काफ़ी अच्छी बात है, स्टीयरिंग लॉक भी अभी यहीं से होगा, तो ये भी बड़ा चेंज आप गिन सकते हो। तो कलर ये काफ़ी अच्छा ग्लोसी फिनिशिंग में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नीचे चलते हुए तो सबसे बड़ा चेंज आपको इसमें कीक नहीं मिलेगा, तो कीक नहीं मिलेगा, सेल्फ स्टार्ट ही है ये बाइक, 350 सीसी का इंजन देखने को मिलेगा, HCDO टाइप लॉन्ग स्ट्रोक वाला जो इंजन हिमालयन और 650 में देखने को मिल रहा है उसी तरह का 350 सीसी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो ये बाइक हमारा क्रोम कलर में है, तो आपको इसमें क्रोम तरह का क्रोम फिनिशिंग में इंजन देखने को मिलेगा। अगर आप बाइक ब्लैक कलर में लेते हो तो उसी तरह का आपको मैट ब्लैक फिनिशिंग में पूरा इंजन देखने को मिलेगा। तो काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी नए नए चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑक्सीजन सेंसर भी देखने को मिलेगा, तो काफ़ी खूबसूरत फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे क्लासिक 350 का बेंचमार्क, तो फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। तो सीट इस तरह का ही मिलेगा आपको इसमें, जो यहाँ पे छोटे छोटे सस्पेंशन आते थे वो अभी आपको ये नए मॉडल में नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे नीचे चलते हुए तो जो पीछे के सस्पेंशन है वो भी, जो गैस चार्ज आते थे वो निकाल के यहाँ पे नॉर्मल आपको फोक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे पीछे के डिस्क ब्रेक की अगर मैं बात करूँ तो उसका भी साइज़ यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग एफिशिएंसी अभी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे जो क्वालिटी मुझे देखने को मिल रही है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो सीएट कंपनी के ट्यूब टायर कंपनी इसमें ऑफ़र करेगी, क्योंकि इसमें आपको स्पोक मिल मिलेगा, थोड़ा टायर की साइज़ और ज़्यादा बड़ी कर दिए, तो 120/80x18 के आपको इसमें टायर देखने को मिलेंगे। तो टायर का साइज़ और विड्थ ये काफ़ी अच्छा हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ बैक से देखते हुए यहाँ पे आपको स्टॉप लैंप देखने को मिलेगा, तो LED स्टॉप लैंप है, और साथ में टर्न इंडिकेशन का ऑप्शन एज इट इज़, जैसे मीटियोर में आता था उसी तरह का यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस बाइक में हमने काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन किया है, विंडशील्ड लगवाया हुआ है, ये टूरिंग मिरर ग्लास भी लगवाए हुए हैं जो कि आप यहाँ से ही ले सकते हो, रॉयल एनफील्ड के ही है। साथ में यहाँ पे आप जो बैक का रैक देख रहे हो वो भी डिफरेंट टाइप का यहाँ पे लगाया हुआ है, अगर आप राइडर हो, अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो तो ऐसा कुछ रैक भी ले सकते हो जिसमें आप अपना लगेज वगैरह यहाँ पे लगा सकते हो। और नॉर्मल बाइक में आपको इस तरह का रैक देखने को मिलेगा, इस तरह का रैक आएगा आपको पीछे, और ये हमारा नॉर्मल सीट्स है। इस तरफ से देखते हुए बाइक को तो ये फुटपैक रॉयल एनफील्ड के, तो ये फुटपैक भी आप मॉडिफिकेशन करवा सकते हो, ये जो चौड़ा फुटपैक आता है वो भी लगवा सकते हो, तो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रिप वगैरह रहती है। और इस तरफ से देखते हुए बाइक को तो काफ़ी अच्छा खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और यहाँ पर बैटरी कंपार्टमेंट में क्लासिक 350 का बेंच मार्क, तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छा है, ये फ्रंट फुटपैक, साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, पिलियन फुटपैक, और यहाँ पे साड़ी गार्ड भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो आपको इसमें कलर वाइज प्राइसिंग है, तो अगर आप स्टार्टिंग मॉडल आपको 2,16,000 से लेके 2,50,000 तक का अवेलेबल है, तो इस प्राइसिंग में आपको RTO इंश्योरेंस और सब कुछ आ गया है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल रहेगा, अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह करवाते हो तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा, बाकी बाइक काफ़ी अच्छी है। और एक दूसरी बात यह है कि इसका मेंटेनेंस काफ़ी कम है, मतलब कि अगर आप अपनी स्टैंडर्ड जो भी बुलेट रहती थी उसमें अपने 3,000-3,500 किलोमीटर पर अपना ऑयल चेंज करवाते थे, लेकिन इसमें आपको पहली सर्विस आपकी जो 500 किलोमीटर पे रहेगी उसमें आपका ऑयल चेंज होगा, लेकिन जो दूसरी सर्विस आएगी जो 5,000 किलोमीटर में रहेगी उसमें आपका इसमें ऑयल चेंज नहीं होगा।
जो 10,000 वाली हमारी सर्विस रहेगी जो साल में एक बार आती है उसमें ही आपका ऑयल चेंज होगा, मतलब कि साल में आपको 10,000 किलोमीटर में एक ही बार आपको ऑयल चेंज करवाना है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो लो मेंटेनेंस व्हीकल आप किसको बोल सकते हैं, तो काफ़ी परफेक्ट बाइक है। तो जो क्लासिक के लवर है उनको उसका ओल्ड स्कूल लुक भी मिल जाएगा, साथ में बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाएंगे, तो जैसे कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा, साथ में नया इंजन जो कि मीटियोर में आता था वही नया इंजन इसमें क्लासिक में आपको सेट करके दिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। और थंप वगैरह काफ़ी अच्छा मिल रहा है, और साथ में राइड क्वालिटी कैसा है, तो मैं राइड क्वालिटी अभी जस्ट टेस्ट राइड ले रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर देखिए, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। और अगर आप ये नया बाइक परचेस करना चाहते हो तो आपको ऑन स्टॉक रॉयल एनफील्ड सारा भाई मोटर्स नेहरू नगर में मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी कलर अभी डिस्प्ले में अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर आ सकते हो, बुकिंग वगैरह ओपन हो चुके हैं, तो ईजी फाइनेंस भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो नया अगर आप क्लासिक के लवर हो तो ज़रूर एक बार इस बाइक को ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। बाकी क्वालिटी में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है रॉयल एनफील्ड में, और वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक नया ही इंजन है, तो काफ़ी अच्छा है। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, इसका टेस्ट राइड में लेने वाला हूँ, तो क्या क्या टेस्ट राइड में भी क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।